नागपुर हलचल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। कोरोना संक्रमण के चलते गत नवरात्रि चैत्र अश्विन नवरात्रि अत्यंत सादगी से मंदिर द्वारा मनाई गई थी। कोरोना का संकट समाप्त होता दिख रहा है, अतः राज्य सरकार ने कल 7 अक्टूबर से तमाम मंदिर दर्शन पूजन हेतु खोलने का निर्णय लिया है। इस कारण श्रद्धालुओं में अत्यंत आनंद एवं उत्साह है। देवी माँ का दरबार सुबह 6 बजे मंगल स्नान के साथ प्रारंभ होगा। शहर के श्रद्धालुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी 12:30 बजे घट स्थापना करेंगे। अखंड ज्योत का सामूहिक प्रज्वलन दोपहर 2 बजे होगा। ज्योत के समस्त वैदिक मंत्रों से हवन प्रसिद्ध वेद शास्त्री नीलेश भुसारी के पौरोहित्य में ब्राह्मणों द्वारा होगा। सामूहिक ज्योत का विसर्जन गुरुवार 14 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे किया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं के साथ जोड़कर निवेदन है कि कोरोना वायरस का असर कम जरूर हुआ है, लेकिन अब भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया है। तदर्थ सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार दर्शनार्थी केवल दर्शन ही कर पाएंगे। साड़ी, चोली, पुष्पमाला, पुष्पहार, नैवेद्य आदि वस्तुएं नहीं चढ़ा पाएंगे। वैसे ही 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध एवं बीमार स्त्री पुरुष भक्त और छोटे बच्चों को नियमों के अनुसार प्रवेश नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा युवा उप प्रमुख लीडर सरफराज को नागपुर कॉरपोरेशन की शाला व्यवस्थापन समिति हंसापुरी हिंदी उच्च प्राथमिक शाला का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाले स्कूलों में 10वीं के क्लासेस शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए लीडर सरफराज के हाथ से टैबलेट भी वितरण किए गए। उन्हें अध्यक्ष पद पर सम्मानित करने पर लीडर सरफराज ने महानगर पालिका स्कूल का आभार माना। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा संपूर्ण विश्व में 2 से 8 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह मनाया जाता है। लॉयंस प्रांत 3234H1 के सबसे पुराने क्लबों में से एक लॉयंस क्लब नागपुर साउथ द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस सेवा सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न सेवा प्रकल्पों का आयोजन किया गया है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में शांति पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब नागपुर साउथ के पूर्व अध्यक्ष लॉयन डॉक्टर नरेश अग्रवाल ने महात्मा गांधी की वेशभूषा में पदयात्रा का नेतृत्व किया। पूर्व प्रांतपाल लॉयन विजय पालीवाल, लॉयन संदीप खंडेलवाल, रीजनल चेयरपर्सन लॉयन विधि झा, जोन चेयरपर्सन लॉयन अरुण कुलकर्णी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। पदयात्रा शांति रैली में क्लब की अध्यक्षा लॉयन डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, सचिव लॉयन आनंद कुमार इंगले, कोषाध्यक्ष गौरव चोखानी, उपाध्यक्षा सुरेखा कुलकर्णी, पूर्व अध्यक्ष उर्मिला अग्रवाल, राजेश परमार, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, अंजना पालीवाल, सतीश टावरी, क्लब सदस्य डॉक्टर रीचा एवं राजकुमार जैन, स्वाति चोखानी, संगीता टावरी, भुलेश्वर एवं डॉक्टर मीनाक्षी माटे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। प्रतिष्ठान दारोटकर्स श्री मेहर ज्वेलर्स वर्षों से अपने ग्राहकों को शुद्धता की कसौटी पर बेहतरीन ज्वेलरी और उत्तम सेवाएं प्रदान कर रहा है। ग्राहकों के इसी विश्वास और प्रेम की बदौलत श्री मेहर ज्वेलर्स नई उड़ान भरने जा रहा है। इस नवरात्रि अपनी 50वीं वर्षगांठ पर दारोटकर्स श्री मेहर ज्वेलर्स धर्मपेट झंडा चौक में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला नया शोरूम लेकर आ रहा है। रविवार 10 अक्टूबर से यह शोरूम शहर की जनता की सेवा के लिए शुरू हो जाएगा। यह शोरूम 4,500 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहां ग्राहकों को खरीदी का बेहतरीन अनुभव मिलेगा। शोरूम की विशेषता यह है कि यहां एंटिक, जड़ाऊ ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, हैवी वेट ज्वेलरी तथा एक औरत की सुंदरता में 4 चांद लगाने वाला अनकट पोल की कलेक्शन, नई पीढ़ी को आकर्षित करने वाला ग्राहकों को ज्वेलरी सिग्नेचर कलेक्शन शामिल है। नए शोरूम में ग्राहकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। सभी तरह के गहनों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। उसी प्रकार सीताबर्डी में चांदी के बर्तनों का एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां नए जमाने की फैशन प्रेमी युवा पीढ़ी को देखते हुए चांदी की एक्सक्लूसिव ज्वेलरी उपलब्ध कराई गई है। सुशीला नगर सिंधी पंचायत भारतीय जनता पार्टी वार्ड महिला आघाड़ी प्रभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, मंगलवारी जोन अध्यक्षा प्रमिला मथरानी, भाजपा महिला आघाड़ी उत्तर नागपुर अध्यक्षा डॉक्टर सरिता मिलिंद माने, वार्ड अध्यक्ष मनीषा दासवानी, विष्णु कुमार केसवानी, राखी कुकरेजा, महिला आघाड़ी वार्ड अध्यक्षा उषा दानी, गुरु दरबार के अर्जुन जग्यासी,
सुशीला नगर सिंधी पंचायत के अध्यक्ष हितेश चंदवानी, महासचिव मनोज अंगनानी, सह सचिव राजेश बुधवानी, नीरज गंगवानी, राजेश आहूजा, संजय फुलवानी, जय केसवानी, हरीश चंदवानी, सोना बुधवानी की प्रमुखता से उपस्थिति रही। पदाधिकारियों की उपस्थिति में सुशीला नगर की सिंधी महिलाओं ने भारतीय सिंधु सभा महिला मंच की कार्यकारिणी अध्यक्षा वंशिका केसवानी के निवास पर 54 महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। प्रवेश करने वालों में सोना बुधवानी, नयना चंदवानी, रितिका अंगनानी, हिमांशी कुंदवानी, दिव्या आहूजा, कोमल छवलानी, माया फुलवानी, पुष्पा खत्री, हीना मिरानी, संगीता दलवानी, नेहा अंगनानी, खुशी आहूजा, प्राची भाटिया, अनुकियानी, रुक्मणी चंदवानी, कांता जग्यासी, माया बसंतवानी, स्नेहा आहूजा, मीना खियानी, किरण पुरस्वानी, मानसी राजान, कोमल साधवानी, रोमा बेलानी, मुस्कान नानवानी, दिव्या मिरानी, दीप्ति गंगवानी, दिव्या जगुजा, प्रीत केवल रामानी, कंचन मोटवानी समेत अन्य महिलाएं शामिल हैं। महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष सत्यजीत तांबे, विधायक विकास ठाकरे के मार्गदर्शन, प्रदेश सचिव फलजूर रहमान कुरैशी, शहर महासचिव अजहर शेख, शहर सचिव नईम शेख, सह सचिव राकेश वैद्य के नेतृत्व में मध्य नागपुर कांग्रेस भवन के पास उत्तर प्रदेश योगी सरकार के खिलाफ रास्ता रोक आंदोलन किया गया। प्रदेश सचिव फलजूर रहमान कुरैशी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार का एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अमानवीय व्यवहार करने पर निषेध किया गया एवं मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगाए गए। इस अवसर पर प्रदेश सचिव फलजूर रहमान कुरैशी, प्रदेश सचिव संदीप देशपांडे, शहर महासचिव अजहर शेख, सह सचिव नईम शेख, सचिव राकेश वैद्य, मध्य नागपुर महासचिव नकील अहमद, राकेश निकोसे, जावेद कुरैशी, समीर इंगले, राजेश वानखेड़े, नागपुर शहर अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष अतीक अंसारी, मध्य नागपुर के कार्यकारी अध्यक्ष मुदस्सिर अंसारी, सभी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। जरीपटका में दादा संगतराम आर्य चैरिटेबल ट्रस्ट, स्वास्थ्यम हॉस्पिटल और तिरपुड़े हॉस्पिटल कामटी रोड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित निशुल्क रोग निदान शिविर का उद्घाटन जनता मैटरनिटी होम एंड हॉस्पिटल के पूर्व जनरल सेक्रेटरी सच्चानंद हिरानी और सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त अनिल बोबड़े, संयोजक डॉक्टर परमानंद लहरवानी, मुख्याध्यापिका तेजिंदर वेणुगोपाल के शुभ हस्ते सम्पन्न हुआ। संगतराम आर्य चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष वेद प्रकाश आर्य ने बताया कि निशुल्क रोग निदान शिविर में 812 मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया, जिसमें से 397 लोगों की मुफ्त ईजीसी और 360 लोगों का मुफ्त ब्लड शुगर की जांच की गई। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी कैंसर अस्पताल के डॉक्टर प्राजक्ता बंडबुचे, डॉक्टर अनिल आंभोरे, डॉक्टर अभिषेक सोनवले, डॉक्टर अभिजीत कावले, डॉक्टर गौरव आमले, डॉक्टर श्याम गोदानी, डॉक्टर सुनील मूलचंदानी, डॉक्टर प्राची आसुदानी, डॉक्टर पल्लवी हसानी, डॉक्टर दीपक यादव, डॉक्टर आशीष कुमार, डॉक्टर अक्षय तोलानी, डॉक्टर सुरेश जाधव, डॉक्टर नीलेश धोटे, डॉक्टर करण असरानी, डॉक्टर श्रीमती जाधव के विशेष सहयोग से शिविर सफल हुआ। संस्था ने सभी सहयोग करने वालों का आभार माना। नागपुर महानगर पालिका की ओर से गरोबा मैदान स्थित मनपा की बंद पड़ी स्कूल की जगह पर पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर विज्ञान अनुसंधान केंद्र साकार होगा। मंगलवार को महापौर दयाशंकर तिवारी के समक्ष इस केंद्र की इमारत संरचना और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में एक प्रेजेंटेशन दिया गया। मनपा मुख्यालय के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति स्थायी समिति हॉल में आयोजित प्रस्तुतिकरण के दौरान शिक्षा समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप दिवे, वरिष्ठ पार्षद सुनील अग्रवाल, उपायुक्त मिलिंद मेश्राम, एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन बेसिक साइंस एजुकेशन के ब्रह्मानंद स्वैन, श्याम रघुते और शार्दुल वाघ, अश्विनी आर्किटेक्ट की अश्विनी बोंडाड़े मौजूद थे। इस अवसर पर आर्किटेक्ट अश्विनी बोंडाड़े ने प्रेजेंटेशन दिया। पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर विज्ञान अनुसंधान केंद्र के लिए 6,457.24 वर्ग मीटर की जगह सुनिश्चित की गई है, जिसमें से 4,399 वर्ग मीटर जगह में केंद्र साकार होगा। इस परियोजना के लिए 21 करोड़ रुपए की निधि प्रस्तावित है। पद्म भूषण डॉक्टर
विजय भटकर विज्ञान अनुसंधान केंद्र की इमारत 2 मंजिला है। बेसमेंट में 44 चार पहिया और 172 दो पहिया वाहन एवं अन्य वाहनों की पार्किंग क्षमता होगी। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत द्वारा जरीपटका महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष मनीषा मोटवानी व महिला यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष कशिश सच्चानी को सम्मानित किया गया। गीता गजबिये, किरण गजबिये, माया भगत, रेखा संतवानी, माधुरी नानेट, रोमा बेलानी, सिमरन मिहानी, भूमि सावलानी, भूमि जशनानी, सोनिया जग्यासी, कंचन भोजवानी, सौम्या मंगलानी, लावण्या विधानी, लता वाधवानी, नव्या सचदेव, रेखा संतवानी, ज्योति मिहानी, काजल जयसिंघानी, मनीषा मोटवानी, किरण कृष्णानी, संगीता मोटवानी, करिश्मा मोटवानी, वर्षा भगत, ज्योति मोतीरावानी, दिशा चांदूरकर, मीना दौड़कर, ज्योति प्रजापति, जूही गकरे, स्नेहा वाघ, अनिता सवैथुल, रूपाली सवैथुल, प्रगति सवैथुल, कार्श्वी आदि महिलाओं ने जरीपटका कांग्रेस परिवार में प्रवेश लिया। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने जरीपटका के सर्वांगीण विकास का वादा किया। जिले में कल से नवरात्र उत्सव शुरू होगा, जो 15 अक्टूबर तक हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस संदर्भ में जिलाधिकारी विमला आर ने अपील की है कि जिले में नवरात्र उत्सव मनाते समय नागरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित ध्यान रखें, गरबा डांडिया सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन न करें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक नवरात्रि उत्सव के लिए दुर्गोत्सव मंडलों को स्थानीय प्रशासन की नीतियों के अनुसार स्थानीय प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन की नीति के अनुरूप समिति संख्या में मंडप स्थापित किए जाए। इस वर्ष के नवरात्रि पर्व को सादगी से मनाया जाना चाहिए और घरेलू और सार्वजनिक देवी देवताओं की मूर्तियों को उसी के अनुसार सजाया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर ने आवाहन किया है कि सार्वजनिक मामलों के लिए देवी की मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट और घरेलू देवी की मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट होनी चाहिए। हो सके तो घर में धातु, संगमरमर आदि मूर्ति का पूजा करें। पर्यावरण फ्रेंडली मूर्ति होने पर घर में विसर्जन करना चाहिए। आमतौर पर शालू मिट्टी की मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए। इस मूर्ति को घर में या कृत्रिम तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने मंगलवार को शहर में एक पत्रकार वार्ता में केंद्र की भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए दरवाजे खोलकर छोटे दुकानदारों का धंधा चौपट करने वाली सरकार निरूपित किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की इस सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकार की गलत नीतियों के कारण छोटे उद्योग धंधे अंतिम सांस लेने की कगार पर है। वही देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मोहन प्रकाश ने आरोप लगाया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से रिश्वत लेकर मोदी सरकार द्वारा दुकानदारों का धंधा चौपट करने की सुपारी लिए जैसा दृश्य देश में दिखाई दे रहा है। देश की संपदा को बेचने और सरकारी विभागों को चंद निजी कंपनियों के हवाले करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा कि इस मुद्दे पर देश को गौर करना होगा कि अमेजन कंपनी ने 8,546 करोड़ की रिश्वत क्यों और किसे दी। पिछले एक साल में 14 करोड़ प्लस रोजगार खत्म हो चुके हैं। दुकानदार, छोटे उद्योग, MSME सबका धंधा चौपट है। पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र के लगातार आम आदमी पार्टी आकाश सपेलकर विदर्भ संगठन मंत्री के नेतृत्व पर लगातार विस्तार कर रही है। पूर्व नागपुर खरबी में एक सदस्यता अभियान के दौरान कई स्थानीय भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दरअसल उनका विश्वास उनके द्वारा ही चुने गए नगर सेवक से उठ गया। लगातार शिकायत के बाद भी नगर सेवक काम नहीं कर रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है और नेता पदाधिकारी गण गायब है। आम आदमी पार्टी का कुशल नेतृत्व पार्टी को मजबूत कर रहा है। आम आदमी पार्टी पर लोगों का बढ़ता भरोसा और अच्छी राजनीति की मिसाल पेश करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार द्वारा दिल्ली में किए गए अच्छे कार्यों की सराहना करते हुए नागपुर में भी लोग उसी तरह का विकास चाहते हैं। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा किया गया कार्य भी नागपुर की जनता ने सराहा है, जिसका असर विभिन्न विधानसभा क्षेत्र की लोग मनपा चुनाव के संदर्भ पर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और लोगों में विश्वास है कि आप पार्टी नागपुर में दिल्ली सरकार जैसा कार्य करेगी और सराहनीय योगदान देगी।
हाल ही में महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर और स्वच्छता भारत अभियान के अंतर्गत सफाई कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को सुरक्षित रखा, जिन परिवारों में कोरोना से मृत व्यक्तियों के शव की अंतिम यात्रा को शमशान पहुंचाने का काम किया, उन सभी कर्मचारियों का आकाश जी सपेलकर विदर्भ संगठन मंत्री की अध्यक्षता में सत्कार किया गया और उन्हें सप्रेम भेंट दी गयी। इस अवसर पर आकाश सपेलकर ने कहा, समाज में बहुत सारे समुदायों ने कोरोना काल में सेवाएं दी, पर सफाई कर्मचारी का स्थान सबसे उच्च स्तर पर है, जिन्होंने शव की अंतिम यात्रा से लेकर मृतकों की अंतिम संस्कार तक अपनी सेवाएं दी। जहां मृतक का परिवार, दोस्त, रिश्तेदार पास आने से घबराते थे, वहीं सफाई कर्मचारी वीरों ने मरीजों की जान बचाने से लेकर उनके अंतिम समय तक उनका साथ दिया। समाज के इस वर्ग के प्रति हम सभी हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, जिन्होंने निडर होकर आगे बढ़कर काम किया। ऐसे वीरों को आप कार्यकर्ताओं ने नमन किया। उन्हीं ने बताया, दिल्ली सरकार कर्मचारी की मौत पर परिजनों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देती है और कई लाभदायक योजनाएं अमल में लाती है। नागपुर मेट्रोपॉलिटन बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और महापौर दयाशंकर तिवारी ने मंगलवार को राज्य स्तरीय सीनियर महिला और पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप के विजेताओं को सम्मानित किया। सभी विजेताओं को महापौर द्वारा मनपा का दुपट्टा, तुलसी और ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर खेल समिति के अध्यक्ष प्रमोद तभाने, वरिष्ठ पार्षद सुनील अग्रवाल, पार्षद नागेश सहारे, बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव अरुण बुटे, संयुक्त सचिव एवं गणेशपेट पुलिस थाने के निरीक्षक भरत क्षीरसागर, डॉक्टर विजय तिवारी आदि मान्यवर मौजूद थे। पुरुषों की बॉक्सिंग प्रतियोगिता बुल्ढाना में और महिलाओं की बॉक्सिंग प्रतियोगिता चंद्रपुर जिले के भद्रावती तहसील में आयोजित की गई। पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में ऋतिक मेश्राम ने रजत पदक, 49 किलोग्राम भार वर्ग में लुमेन साहू ने रजत पदक, रुति झाड़े ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता, शिवानी राय ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता और इशिका करवाड़े ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में भी सराहनीय प्रदर्शन रहा। उनका चयन 20 अक्टूबर को हरियाणा में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हुआ है। महापौर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सभी खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई दी और उन्हें सम्मानित किया। हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन उत्साह से मनाया गया। गांधी जयंती के अवसर पर शहर के मध्य स्थित गांधी पुतले पर शहर के गणमान्यों ने पहुंचकर माल्यार्पण किया। वहीं शहर की अनेक संस्थाओं ने इस पावन अवसर ग्राम स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर का आयोजन कर महात्मा गांधी को याद किया। वहीं देश को जय जवान जय किसान का नारा देकर देश में कृषि क्रांति तथा देश की सीमाओं पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ाकर देश को समृद्धि के मार्ग पर चलाने में अहम भूमिका निभाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें भी याद किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकांत पांडे, साहेबराव वीरखरे आदि की प्रमुख उपस्थिति में नगर सेवक नीलेश पटे, सुनील चाफेकर, शफीक सैयद, पत्रकार दीपक कटारे, बंडू दिवटे, दिलीप घटे, डॉक्टर प्रवीण वाकोड़े, सादिक शेख, सैदू शेख आदि मान्यवरों ने महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का विनम्र अभिवादन किया। काटोल कृषि उपज मंडी के चुनाव का परिणाम सोमवार 4 अक्टूबर को घोषित किया गया, जिसमें चरण सिंह ठाकुर तथा केशव राव डहनकर के शेतकरी उत्कर्ष सहकार पैनल के 14 उम्मीदवारों ने संचालक पद पर एक तरफा जीत हासिल की। वहीं विधायक अनिल देशमुख के अनुपस्थिति में शेतकरी विकास पैनल के मात्र 4 उम्मीदवार संचालक पद पर विजयी हुए। इस चुनाव में चरण सिंह ठाकुर तथा सहकार क्षेत्र के दीर्घ अनुभवी केशव राव डहनकर के योग्य नियोजन तथा विधायक अनिल देशमुख के अनुपस्थिति का पूरा लाभ मिला, जिसमें सेवा सहकारी के चरण सिंह ठाकुर, दिनेश ठाकरे, विनायक राव मानकर, नितिन डहनकर तथा रजनी तिजारे समेत सभी 11 उम्मीदवारों ने संचालक पद पर जीत हासिल की। वहीं ग्राम पंचायत में अटकीने तातोड़े तथा मुन्ने ठाकुर डहनकर गट तथा गजबिये व व्यापारी गट झलके, पालीवाल तथा मापारी गट से धुरवे शेतकरी विकास पैनल के 4 उम्मीदवार जीते। सत्ताधारी दल के उम्मीदवारों को विधायक अनिल देशमुख की अनुपस्थिति के चलते जोर का झटका धीरे से लगा। काटोल कृषि
उपज बाजार समिति तथा कोंडाली उप बाजार समिति के सर्वांगीण विकास तथा किसानों के हितार्थ एवं नई योजनाओं का संचालन के लिए डेहनकर ठाकुर तथा ठाकरे गुट पर मतदाताओं ने विश्वास डाला है। हिंगना तहसील में बड़े पैमाने पर चल रहे शराब सट्टा और जुए की अवैध बिक्री के कारोबार के विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से हिंगना पुलिस थाने में ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान हिंगना तालुका अध्यक्ष दीपक नासरे, सचिन चिटकुले, नंदू पोटे, गुड्डू पारधी, सागर भेंडे, निलेश भुरसे, बाबा महाजन, शुभम भोकरे, महिला सेना तालुका सचिव अफसाना ताई पठान, सरिता महाजन, लता जाधव, रंजना टेटे, प्रियंका शंभरकर, संगीता कोर्डे, अश्विनी सोनूरकर, सुनीता नंदनवार आदि उपस्थित थे। हेमंत गडकरी सरचिटनीस, सतीश कोल्हे जिलाध्यक्ष नागपुर के मार्गदर्शन से ज्ञापन सौंपा गया। नागपुर महानगर पालिका उपद्रव खोजी दल NDS के सदस्यों ने मंगलवार को दो दुकान प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 10,000 का जुर्माना वसूला। टीम ने 50 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालयों का निरीक्षण किया। नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देशानुसार और उपद्रव खोजी दल के प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में मनपा की टीमों ने यह कार्रवाई की। नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने मंगलवार को बगैर मास्क के घूमने वाले 22 गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की और उनमें से प्रत्येक से 500 रुपए के अनुसार 11,000 रुपए का जुर्माना वसूला। पिछले कुछ महीनों में मनपा की टीमों ने 40,764 नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की और अब तक करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि का जुर्माना वसूला है। शहर में मामले कम हुए हैं, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा अब भी नहीं टला है। अब भी अनेक जगहों पर नागरिक सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। शहरी हिस्सों में बगैर मास्क के नागरिक खुले आम बाजारों जैसी जगहों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जो खतरनाक साबित हो सकती है। इसके चलते उपद्रव खोजी दल द्वारा इस प्रकार के गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसी हरकतों से वे खुद के तथा खुद के परिजनों के स्वास्थ्य के साथ साथ समाज और शहर के लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल रहे हैं। मंगलवार को उपद्रव खोजी दल ने लक्ष्मीनगर जोन के अंतर्गत 3, धर्मपेट जोन के अंतर्गत 4, धंतोली जोन के अंतर्गत 3 और अन्य जोन मिलकर 22 नागरिकों पर कार्रवाई की है। आज 18+ और 45+ आयु वर्ग के सभी नागरिकों को कोविशील्ड का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा। टीकाकरण शाम के 5 बजे तक होगा। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजीकरण किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविशील्ड के जरिए टीकाकरण किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी। इसी तरह 18+ और 45+ आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल कामटी रोड व स्वर्गीय प्रभाकर दत्त के मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स, आइसोलेशन अस्पताल इमामबाड़ा, इंदिरा गांधी अस्पताल गांधीनगर, मनपा स्त्री अस्पताल पांच पावली और प्रगति हॉल दिघोरी में उपलब्ध है। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।